हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आपने देखा ही होगा कि एग्जॉस्ट पेंटिंग पे है। तो ये मैंने एक स्प्रे पेंट लिया है, मतलब ये मुझे तो फ्री में मिला है। अगर आपको ये बाय करना होगा तो इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कौन सा भी पेंट स्टोर होगा तो वहाँ यहाँ पे आपको मिलेगा ये स्प्रे पेंट। सो जैसे आप सोच रहे होगे कि ये मुझे किसने स्पॉन्सर किया है, तो किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये मेरे दोस्त का इधर ऐसे ही पड़ा था तो मैं उसके यहाँ से लेके आया हूँ। सो आज मैं इस TVS वीगो का एग्जॉस्ट पेंटिंग कर रहा हूँ। सो आज मैं इस TVS वीगो का एग्जॉस्ट पेंट करने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा अच्छा है, मतलब यह देखो इधर थोड़ी स्क्रैचेस है और यहाँ पे पूरा रस्ट था, तो मैंने ये सैंड पेपर से पूरा इसको, मतलब सैंड पेपर से घस दिया है। और ये देखिए अभी इसका सारा रस्ट निकल गया और ये सिर्फ आयरन दिख रहा है। सो आपको क्या करना है, ये जो वाइट पार्ट है, ये ऊपर का वाइट पार्ट, ये फैन का पार्ट्स, ये वाला वाइट पार्ट, ये सब न्यूज़पेपर से कवर कर देना है और ये व्हील भी। तो क्या है, अगर स्प्रे पेंट को आपको पता ही होगा कि पूरा, मतलब अगर यहाँ दे रहे हो तो इधर भी उड़ जाता है, इसलिए वो कवर करने हैं। और ये स्प्रे पेंट, ये देखिए ये वाला स्प्रे पेंट मैंने लिया है मैट ब्लैक, तो इस पर मैं मैट ब्लैक कलर देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, ये जो पार्ट हमें नहीं कलर करना है वो मैंने न्यूज़पेपर से उसको क्लोज कर दिया है, मतलब अगर यहाँ पे कलर कर रहे हो तो उसमें नहीं लगना चाहिए, इसलिए पूरा कलर कर लीजिए। और ये गार्ड निकालना पड़ेगा क्योंकि ये गार्ड पूरा प्लास्टिक का है और ये मेटल का है, और इसके नीचे का भी हमें कलर करना है, इसलिए ये गार्ड निकालना होगा। तो गार्ड निकालने के लिए ये वाला स्क्रू निकालिए, ये वाला, अगर ये नहीं निकल रहे तो इस पर थोड़ा सा हैमर मारिए, निकल जाता है। सो अभी मैं उसको निकालता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये ऐसे वाला हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा पुल करके ये निकल जाएगा, एक साइड निकल गया और ये भी। तो इसको अगर आपको कलर करना है तो बाद में कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए इधर थोड़ा ये इधर थोड़ा आप देख सकते हैं कि पूरा ये ऐसे ख़राब हो गया है, तो इसको थोड़ा वॉश कर लीजिए। इसलिए ये देखिए मैंने ये स्प्रे पेंट यूज़ कर, मतलब स्प्रे पेंट नहीं, ये स्प्रे यूज़ कर रहा है वाटर के लिए। ये देखिए क्या होता है, मतलब जिधर आपको चाहिए उधर ही पानी लगता है, सब जगह नहीं उड़ता। अगर आपने पानी ऐसे ओत दिया तो सब जगह हो जाएगा और हमें पेंटिंग में थोड़ा देर लग जाएगा, इसलिए। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पार्ट पूरा क्लीन कर लिया है, आप भी पूरा क्लीन कर लीजिए, नहीं तो वो अगर आप पेंट मारेंगे तो वो पेंट निकल जाएगा, इसलिए ये पूरा पेंट कर लीजिए, मतलब वॉश कर लीजिए। और ये देखिए ये जो पेंट होता है वो पहले पूरा शेक करना है और उसके बाद ही उस पर मार। सो फ्रेंड्स, ये पूरा हमें पूरे बहुत ऐसे शेक कर लेना है, ऐसे शेक करने के बाद ही आपको मारना है, इस पर ऊपर दिया भी होता है, शेक कीजिए और बाद में मारिए, इसलिए पूरा ऐसे शेक कर लीजिए। और ये देखिए, ऐसे आपको तीन लेयर मारने होते हैं, मतलब अगर आप तीन लेयर मारोगे कि उसके बाद वो कलर जल्दी से जाता नहीं है, मतलब बहुत टाइम में वो रहता है, इसलिए।
सो फ्रेंड्स ये देखिए अब बहुत अच्छा दिखने लगा है। सो फ्रेंड्स अब देखिए ये बहुत अच्छा दिखने लगा है, मतलब फुल ब्लैक, यहाँ से भी फुल ब्लैक। अब ये सो फ्रेंड्स एक लेयर हो गया, अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं और ये सूखने के बाद अगला एक लेयर मारेंगे और उसके बाद तीसरा लेयर। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे अभी ये देखिए यहाँ सूख गया, तो यहाँ मैट ब्लैक कलर आ गया है। और ये ऐसे कवर कर लीजिए, नहीं तो पूरा वो ये देखिए ये पेपर भी कलर हो गया है, तो सब आपका पार्ट्स आ गए, तो दूसरे पार्ट्स हो गए वो भी कलर हो जाएंगे। और ये मुंह में मत जाने दीजिए, ये प्रिवेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स अभी ये तीसरा लेयर मार रहा हूँ मैं, वो पूरा पहले वाला सूख गया है, इसलिए ये थर्ड लेयर। और आप बोल रहे हो कि ये आपने निकाला क्यों नहीं, अगर निकालते तो और भी अच्छा दिखता, मतलब बेस्ट पेंट लग जाता है उसके ऊपर। सो इसलिए मैंने निकाला नहीं कि ये देखिए ये पूरा अंदर तक होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये निकालने के लिए। अगर आपके पास कौन सी भी बाइक होगी ना, ये देखिए ये मेरी V15 है, तो ये देखिए बाइक का कैसे ये देखिए इधर होता है इस साइड में, तो वो निकालना बहुत इजी होता है, पर इस स्कूटर्स का पूरा पैक होता है इसलिए निकालने में बहुत टेंशन होता है, इसलिए ये मैंने निकाला नहीं। और अब ये सूखने के बाद एकदम मस्त लगेगा और ब्लैक एंड वाइट बहुत जच जाएगा उनका कॉम्बिनेशन एकदम। और ये देखिए ये भी मुझे पार्ट कलर करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको ब्लैक में कलर करो या वाइट ही रहने दो। सो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा पैनल लगा दिया है ये ऊपर का, सो अभी एकदम भारी दिखने लगा है, ये देखिए ब्लैक और ऐसे एकदम भारी दिख रहा है, ये देखिए ये जैसे कि आपने देखा बहुत ईजी कलरिंग करना। और ये अगर आपको ये बाय करना होता होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सिर्फ 190 का आता है और मुझे ये फ्री में मिल रहा है, किसी ने स्पॉन्सर सर ने दिया है। और जैसे कि आपने देखा बहुत ईजी है एकदम वो सब कवर करके आपको कलर करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेट टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू वॉट यू लव एंड बाय।